हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में केबल्स कार्ड का यूएसबी स्टूडियो माइक्रोफोन का अनबॉक्सिंग और रिव्यू करेंगे। ये माइक्रोफोन हमने अमेजोन से 450 रुपये में खरीदा है। अगर ये माइक्रोफोन आप खरीदना चाहते हो तो इस माइक्रोफोन का बेस्ट बाय लिंक हम आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहे हैं। उस लिंक से आप ये माइक्रोफोन खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो। ये यूएसबी माइक्रोफोन आप डेस्कटॉप और लैपटॉप को यूज कर सकते हो, और साथ ही साथ ये माइक्रोफोन आप कॉन्फ्रेंस कॉल्स में या फिर इससे आप वॉइस ओवर रिकॉर्ड भी कर सकते हो। इस माइक्रोफोन का इंस्टॉलेशन काफी इजी है। ये यूएसबी माइक्रोफोन है, इसलिए इसको आपको सिंपली आपके पीसी के यूएसबी पोर्ट में इसका वायर प्लग इन करना है। इस माइक्रोफोन के साथ कोई भी एक्स्ट्रा ड्राइवर्स की सीडी नहीं आती। ये माइक्रोफोन आपके पीसी में प्लग इन करने के बाद अपने आप ये ड्राइवर्स ले लेता है। तो जल्दी से इस माइक्रोफोन को हम पैकेज से अलग करते हैं और देखते हैं कि ये माइक्रोफोन का क्वालिटी कैसा है। इस माइक्रोफोन के बिल्ड क्वालिटी की अगर बात की जाए तो ये माइक्रोफोन का बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छा लग रहा है। उसी के साथ ये दिखने में भी काफ़ी स्टाइलिश लग रहा है। इस माइक्रोफोन का पैकेट ओपन करने के बाद अंदर से हमें एक पेपर मिलता है। उस पेपर के पीछे के साइड में इस माइक्रोफोन के सारे टेक्निकल डिटेल्स लिखे हुए हैं। पैकेट के अंदर से जो पेपर मिला है उसके ऊपर जो टेक्निकल डिटेल्स लिखे हुए हैं उसके ऊपर हम कैमरा क्लोजअप लेके आपको दिखा देते हैं। अब चाहो तो ये डिटेल्स आप ये वीडियो पॉज करके भी पढ़ सकते हो। और उसी के साथ साथ सबसे नीचे मॉडल नंबर और मेड इन चाइना ऐसे लिखा हुआ है। ये माइक्रोफोन हमने जब हाथ में लिया और इसको चेक किया तो इसका बिल्ड क्वालिटी और इसके लुक्स काफ़ी अट्रैक्टिव हमें लगे। इसका जो प्राइस है 450 रुपये, उस हिसाब से इसकी क्वालिटी हमें काफ़ी अच्छी लगी। इस माइक्रोफोन का नेक जो है वो फ्लेक्सिबल है, इसका आपको रिकॉर्डिंग करते वक्त काफ़ी फायदा हो सकता है। माइक का जो ऊपर का बाजू है वो पूरी तरह से प्लास्टिक से बना हुआ है और सबसे ऊपर की बाजू में प्लास्टिक का जाली लगा हुआ है। माइक का जो बेस है वो पूरी तरह से सॉलिड प्लास्टिक से बना हुआ है और बॉटम में एक रबर का ग्रिप हमें दिख रहा है। इसका फायदा ऐसे होगा कि आप माइक जहां पर भी प्लेस करोगे वहां से माइक हिलेगा नहीं। ओवरऑल ये माइक हमें इस प्राइस रेंज के हिसाब से इसकी बिल्ड क्वालिटी और इसका लुक हमें काफ़ी अच्छा लगा। तो दोस्तों, अगर ये माइक आपको लेना है तो इस माइक का बेस्ट बाय लिंक हमने आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ है। उस लिंक से अगर आप ये माइक खरीदना चाहते हो तो ये माइक आप खरीद सकते हो। ये माइक आपको डेली पर्पज़ के लिए यूज़ करना है तो ये माइक आप खरीद सकते हो, लेकिन अगर इस माइक से आपको प्रोफेशनल वॉइस ओवर रिकॉर्ड करने हैं तो ये माइक उतना अच्छा नहीं है। प्रोफेशनल वॉइस ओवर रिकॉर्ड करने के लिए आपको बोया कंपनी के काफ़ी सारे अच्छे माइक्स मिल जाएंगे, वो माइक आप परचेस कर सकते हो। इस माइक से हमने वॉइस ओवर रिकॉर्ड करने की भी कोशिश की, लेकिन इतना अच्छा रिजल्ट हमें नहीं मिला। सराउंडिंग नॉइस कैंसिलेशन का फीचर काफ़ी अच्छा वर्क हुआ, लेकिन जो वॉइस रिकॉर्ड हुआ उसका लेवल काफ़ी लो था, जो हमें वीडियोस के वॉइस ओवर रिकॉर्ड करने के लिए सफिशिएंट नहीं लगा। आप डेली यूज़ के लिए बजट माइक खरीदना चाहते हो तो ये माइक आप खरीद सकते हो, लेकिन इससे कोई भी प्रोफेशनल वॉइस ओवर रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। फिलहाल हम इस वीडियो के रिकॉर्डिंग के लिए हमारे पास आईबॉल का एक वेबकैम है, उसके इनबिल्ट माइक्रोफोन से इसका वॉइस ओवर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करो, आपके दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करो, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करो, और साथ ही साथ सब्सक्राइब बटन के साइड में जो बेल आइकॉन का बटन है उसको भी प्रेस करो, ताकि अगले आने वाले हमारे वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी अच्छे वीडियो के साथ।